हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिरयानी की रेसिपी। आई थिंक देसी क्विजीन की जब बात आती है तो बिरयानी से ज़्यादा पॉपुलर आइटम मेरा नहीं ख्याल कोई और है। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंस्टेंट पॉट में बिरयानी बनाने का तरीका। और हम बेसिकली दो तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आप यूज़ करके बिरयानी बना सकते हैं, जिसमें से जो सेकंड तरीका है वो अंडर 30 मिनट्स है। 30 मिनट के अंदर आपकी बिरयानी पक जाती है और खाने को एक्चुअली तैयार होती है। उसको दम भी लग जाता है और आप उसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और दोनों बहुत फास्ट तरीके हैं और मैंने टिप्स भी डाली हैं आपके लिए कि आप किस तरह से मील प्रेप के लिए इसको बना सकते हैं, दावत के लिए इसको पहले से कुछ प्रिपरेशंस करके रख सकते हैं। तो चलें अब अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आते हैं चिकन मैरिनेशन की तरफ। ये दोनों तरीक़ों के लिए सेम ही प्रोसेस है। मेरे पास तकरीबन 1.25 से 1.5 किलो के बीच में चिकन था और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर का पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट। जो चिकन था उसको मैंने धो के उसके बाद स्ट्रेनर में डाल दिया था ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। फिर मेरे पास है यहाँ पे आधा कप टमेटो प्यूरी। आप 2 से 4 टमाटर भी डाल सकते हैं मीडियम स्मॉल साइज़ के, लेकिन प्रेशर कुक करने के टाइम। फिर मेरे पास था आधा कप दही। फिर मैं डाल रही हूँ 1/3 कप फ्राई हुआ हुआ प्याज। मैंने फ्राई करके उसको ठंडा कर लिया था, फिर डाला है। और फिर मेरे पास है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है बिरयानी का मसाला, वो आधा मसाला मैं डाल रही हूँ। मैं लिंक कर रही हूँ यहाँ पे, उसको ज़रूर देखें, बहुत अच्छा बनता है। अगर आपको बहुत तेज़ मसाला पसंद है या बहुत स्पाइसी बिरयानी पसंद है तो आप इसके अंदर लाल मिर्चें भी तेज़ कर सकते हैं, मसाला भी तेज़ कर सकते हैं। वरना आप अपनी पसंद का कोई भी मसाला जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं वो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। फिर मेरे पास है यहाँ पे कुछ आलू बुखारे। आधे आलू बुखारे मैं इस टाइम पे डालती हूँ मैरिनेशन के टाइम पे, और कुछ मैं प्रेशर कुकिंग के बाद भी डालती हूँ। आप अगर डालना चाहें तो डालें, अगर आप नहीं डालना चाहते या अवेलेबल नहीं है तो इसके बगैर भी आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी नींबू। एक लार्ज साइज़ का नींबू था मेरे पास और उसको मैं आधा नींबू लेके मैंने निचोड़ा है इसके अंदर। आप चाहें तो थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसको मैरिनेट करूँगी 2 घंटे से लेके ओवरनाइट तक। यूजुअली ओवरनाइट करती हूँ मैं। अब आते हैं पहले मेथड की तरफ, लेयर्ड बिरयानी बनाने के लिए। इसमें हम चावल सेपरेटली उबाल के तह लगाएंगे। और यहाँ पे मेरे पास थे चावल, 3.5 कप के करीब मैंने चावल लिए थे। 45 मिनट्स मैंने उनको भिगोया था धो के पानी में और फिर मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया था। इससे आपका चावल बहुत अच्छा खिलता है। फिर मेरे पास यहाँ पे कुछ मसाले हैं, जिनमें मेरे पास है एक छोटी दालचीनी, एक छोटा सा बे लीव, कुछ हरी इलायचियाँ, आधा मेरे पास था बादियान का फूल और थोड़ा सा ज़ीरा। और इसको मैंने पानी में डाल दिया है। आंच मेरी बिल्कुल फुल पे है इस टाइम और पानी को जैसे ही उबाल आएगा इसके अंदर मैं अपने चावल डाल दूँगी। और चावलों को आपने 80% पकाना है, फुली कुक नहीं करना, क्योंकि जब आप इसकी तह लगाते हैं और इसको दम पे रखते हैं तो आपका चावल फ्लेवर एब्जॉर्ब करके बाकी 20% उस टाइम पकना होता है। तो अब चावल मेरे तकरीबन 4 मिनट्स में एग्जैक्टली हाई हीट पे 4 मिनट के अंदर मेरे चावल बिल्कुल 80% डन हो गए थे। बासमती चावल है लॉन्ग ग्रेन वाला और इसकी निशानी ये होती है कि जब आप इसको तोड़ने की, मसलने की कोशिश करते हैं हाथ में तो वो नहीं होता। अब मैंने इनको स्टेन कर लिया है और उसके बाद मैं चम्मच से 3-4 होल्स इसके अंदर पोक करूँगी ताकि स्टीम निकल जाए और चावल सौगी नहीं होता है इससे। अब आते हैं प्रेशर कुकिंग की तरफ। आप चाहें तो प्रेशर कुक की जगह, इंस्टेंट पॉट की जगह आप कोई भी पतीला यूज़ कर सकते हैं इसको बनाने के लिए, तब भी बहुत अच्छी बनेगी। इससे ज़रा जल्दी हो जाता है काम। इंस्टेंट पॉट को मैंने अब सौते मोड पे किया है और अब जब इसके ऊपर हॉट आएगा इसका मतलब है कि प्लेट गर्म हो गई है खाना पकाने के लिए। तो मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा तेल, तकरीबन 2 टेबलस्पून तेल मैं अभी डालूँगी, बाकी हम बाद में डालेंगे। फिर मैंने इसके अंदर डाला है ज़ीरा और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी आलू। आलू ऑप्शनल हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक ना डालें, लेकिन अच्छे लगते हैं जनरली। तो मैं तकरीबन 3 से 4 छोटे साइज़ के आलू थे वो मैंने काट लिए थे, थोड़े मोटे, और उसको मैं फ्राई करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। इसके ऊपर हल्का सा लाइट ब्राउन सा कलर आ जाएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ अपना मैरिनेटेड चिकन। और इस चिकन को सिर्फ आपने 1-आधे मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाकी चिकन जो है वो आपका प्रेशर कुकर मोड पे पकेगा। तो इसको आप पका लें, थोड़ा सा मिक्स कर लें एक आधे मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसको करेंगे प्रेशर कुक। और यहाँ पे मैंने लिड लगा दी है और उसके बाद आपने इसको सीलिंग मोड पे करना है। और आप प्रेशर कुक पे जाएं और हाई प्रेशर के ऊपर आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट का लगाना है। अगर आपकी मुर्गी नहीं गलती 5 मिनट के बाद तो उसको 2 मिनट का और प्रेशर दे दें। फिर इसको आपने नेचुरल प्रेशर रिलीज़ नहीं करना, क्विक प्रेशर रिलीज़ करना है ताकि मुर्गी जो है वो घुल ना जाए, क्योंकि उसको अभी हमने भूनना है मज़ीद और उसको चावलों के साथ भी दम लगाना है। तो चिकन बहुत जल्दी आपकी मुर्गी टूट जाती है, तो इसलिए हमने इसका क्विक प्रेशर रिलीज़ किया है। अब मैंने इसको सौते मोड पे, प्रेशर कुकर मोड को बंद करके दोबारा से सौते मोड पे लगाया है और अब इसको हम भूनेंगे जिस तरह से हम अपना सालन भूनते हैं। तो ये अब मैं लगाने लगी हूँ इसको सौते पे, और ये जनरली 30 मिनट्स का ही लगता है। और अब मैं इसको भूनूँगी अच्छे तरीके से कि आपका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं इसमें मारना, क्योंकि फिर चिकन भी टूट सकती है और आलू भी। और ये एक छोटा सा टिप है, क्योंकि इसके छींटे बहुत उड़ के किचन में जाते हैं, तो मैं एक अखबार की टीपी सी बना के इसके ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ के रख देती हूँ। उससे मेरे किचन के काउंटर की और मेरे चूल्हे की काफ़ी बचत हो जाती है। और बीच में आप इसको हटा के थोड़ा सा चम्मच घुमा लें ताकि आपको आइडिया हो कि चिकन या आपका आलू लग तो नहीं रहा नीचे से। और अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून और तेल के डालूँगी। और यहाँ पे मैंने नमक एडजस्ट किया है, आप इस पॉइंट पे नमक और मिर्च चख लें अगर आपको ठीक लगता है, या अगर आपको कम ज़्यादा करना है। कम करना है तो थोड़ा सा दही और डाल लें और भून लें, और ज़्यादा करना है तो आप सिर्फ मसाला कर लें। अब हम आते हैं इसकी असेंबली की तरफ। आधा जो है मैंने मसाला निकाल लिया है और आधा मैं इसके अंदर ही रहने दूँगी। और यहाँ पे मेरे पास था फूड कलर, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा केवड़ा वाटर, आप कह लें कि 1/8 टीस्पून होगा। और साथ ही तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून मैंने डाले हैं दूध के। और ये मैंने अपनी असेंबली लाइन लगाई हुई है हर चीज़ की जो हम बिरयानी को असेंबल करते हुए यूज़ करेंगे। ये काम आप पहले भी करके रख सकते हैं, फ्राइड प्याज भी आप पहले से बना के रख सकते हैं। ये थे हमारे चावल, यहाँ पे है मसाला आधा, फिर देसी घी है मेरे पास घर का बना हुआ, फिर मेरे पास हरा धनिया है, फ्राई हुई हुई प्याज है, नींबू है, हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, धनिया है। तो अब आधे चावल जो हैं वो मैंने लगा दिए हैं अपनी चिकन के ऊपर। फिर ऊपर मेरे पास था यहाँ पे घी, प्याज, धनिया, पुदीना, नींबू, बेसिकली सारी चीज़ें जो हैं उनकी हम लेयर लगाएंगे। और 2 तहें लगाएंगे इसकी, बेसिकली जिस तरह से बिरयानी की लगती है। और उसके बाद इसके ऊपर मैंने एंड पे डाला है थोड़ा सा जो जर्दे का मेरा कलर था, वो दोनों लेयर्स में मैंने लगाया है। और अब जो बाकी काम है बेसिकली वो दम पे होगा। इंस्टेंट पॉट पे बहुत ही अच्छा दम लगता है, तो मैंने यहाँ पे अपने इंस्टेंट पॉट को कर दिया है दोबारा सीलिंग पे, और मैं इसको कीप वार्म मोड पे लगाऊंगी 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे एक छोटी सी टिप है कि आप बिरयानी का मसाला इस तरह से ज़िप लॉक में डाल के रख सकते हैं और इसको आप फ्रीज़ कर दें। दावत है तो इसको मैरिनेट करके रख दें और बना लें, और अगर आपने मील प्रेप करनी है तो आप इसी के ऊपर मेजरमेंट्स लिख के इसको फ्रीज़ कर दें और आराम से इसको बना लें। अब आते हैं अपने बिरयानी के दम के ख़त्म होने पर, और ये हमारी बिरयानी कितनी ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। चावल भी हमारे कम्प्लीटली पक गए हैं, इसको आप हल्का सा टॉस कर लें और बिल्कुल ये नीचे से नहीं लगे, और बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बिरयानी आपकी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। चावल और चिकन का काम साथ करना शुरू कर दें तो और भी जल्दी बन जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने मेथड नंबर 2 के ऊपर, जो बहुत ही फास्ट है, और आई थिंक इससे ज़्यादा क्विक और फास्ट बिरयानी जो है वो नहीं बन सकती, वो भी प्रॉपर जो है वो खड़े मसाले के साथ, जिसमें धनिया, पुदीना, प्याज, नींबू, हर चीज़ है। तो यहाँ पे मेरे पास है मेरा मैरिनेटेड चिकन। मैंने आधा-आधा किलो के पैकेट मैरिनेट करके रख लिए थे, तकरीबन 600 ग्राम के करीब था मेरा पैकेट। और इसको जो है वो मैं बिल्कुल फ्राई भी नहीं करूँगी क्योंकि मैं आलू नहीं डाल रही। तो ये मैंने चिकन को डाला है, फ्रोज़न था, मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद सीलिंग मोड पे दोबारा से इसको मैं प्रेशर कुक करूँगी, सेम फर्स्ट मेथड की तरह। इसको भी 6 से 7 मिनट के लिए मैं हाई पे प्रेशर कुक करूँगी। उसके बाद जैसे ही प्रेशर बंद हुआ मैंने क्विक प्रेशर रिलीज़ किया, यानी कि ख़ुद से खोला। और उसके बाद इसको आपने बहुत ज़्यादा भूनना भी नहीं है, और यहाँ पे भी टाइम की बहुत बचत है क्योंकि आपने इसको भूनना ही नहीं है, आपने सिर्फ इसके अंदर चावल डालने हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट तरीके से डालने हैं जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। मेरे पास उसी तरीके से चावल थे, मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 2 कप बासमती चावल थे, मैंने भिगो दिया था 45 मिनट्स के लिए और फिर ड्रेन होने रख दिया था। अच्छा, चावलों को अब आपने मिक्स नहीं करना क्योंकि हम पुलाव नहीं बना रहे, हम बिरयानी बना रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा फैला दें। और इसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 1 और 1/4 कप डालूंगी पानी का। यूजुअली इंस्टेंट पॉट के अंदर आप 1:1 रेशो रखते हैं, यानी जितने चावल उतना ही पानी, लेकिन बिरयानी के लिए 1 कप के लिए 2 कप के लिए 1.75 मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत आइडियल रहता है, स्पेशली जब आप बिरयानी बना रहे हैं। और उसके बाद मैंने उस पर नींबू, धनिया और प्याज फ्राई करके डाले हैं और जर्दे का कलर उसी तरह केवड़े में मिक्स करके डाला है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़े से चावल जो हैं वो सफ़ेद रहें काफ़ी ज़्यादा, तो आप बेशक कलर स्किप कर दें क्योंकि ये पानी के साथ जब पकेंगे तो काफ़ी चावल वैसे ही येलो हो जाएंगे। और फिर एंड में मैंने डाला है देसी घी, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। और उसके बाद हम इसको अब प्रेशर कुकर मोड पे नहीं पका रहे, हम इसको पकाएंगे राइस मोड पे। सीलिंग पे मैंने कर दिया था अपना इंस्टेंट पॉट का ढक्कन और फिर हम आएंगे राइस के ऊपर। जब आप राइस के ऊपर आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है थोड़ी देर बाद ऑटो का उसको ऊपर शो होगा। इसको तकरीबन 5-6 मिनट लगेंगे ऑटो पे जाने के लिए, तो परेशान मत होइएगा कि क्यों नहीं हो रहा फ़ौरन। और जैसे ही प्रेशर डेवलप होगा ये खुद ही से आपको बता देगा कि कितना जो है वो इसको टाइम चाहिए। मेरा हमेशा वैसे 10 मिनट आता है, तो हो सकता है आपका भी 10 मिनट्स आए। एक और बात यह कि जब आप राइस मोड के ऊपर बना रहे हैं इस तरह से बिरयानी, तो आप 3 कप से ज़्यादा चावल मत बनाइएगा, स्पेशली अगर 6 क्वाट है। अगर 8 क्वाट है तो फिर आप 4-5 कप्स तक बना सकते हैं। तो अब जो है मेरा जो इंस्टेंट पॉट है उसका राइस वाला मोड ख़त्म हो गया है, टाइमर अप हो गया है 10 मिनट्स का। तो ये देखें कितनी अच्छे से आपके चावल तैयार हैं। अब इनको हमने दम पे पकाना है। इस पॉइंट पे आपके चावल 80% रेडी होते हैं, बाकी दम पे पकते हैं। अगर आपको अपने चावलों का बड़ा अच्छा आइडिया है और अगर आपके चावल जो हैं आपको डर नहीं है कि सौगी होगा, तो आप इसका क्विक प्रेशर रिलीज़ ना करें जैसे मैंने पहले किया था। आप इसको छोड़ दें और नेचुरल प्रेशर रिलीज़ होने दें क्योंकि उसमें भी तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। और अब हम इसको कीप वार्म पे यहाँ पे मैं कर रही हूँ दम के लिए 10 मिनट के लिए। तो ये मेरा बड़ा अच्छा सा दम लग गया है। तो 10 मिनट जो है वो लगे थे इसको राइस मोड पे पकने के लिए और 10 मिनट ही मैंने इसको दम दिया है। 6 मिनट्स में हमारा चिकन जो है वो बन गया था। तो बिल्कुल आधे घंटे में ये बिरयानी जो है ये मेरी प्लेट पे अब जाने लगी है और बहुत मज़ेदार बनती है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी ये वाली बिरयानी क्योंकि सारे चावलों में इतना अच्छा फ्लेवर होता है आपके मसाले का और कोई काम भी नहीं है। और अब मैं आपको दिखाऊं कि बॉटम जो है मेरे इंस्टेंट पॉट का उधर बिल्कुल चावल नहीं लगे और चावल बिल्कुल नीचे तक कितने अच्छे खड़े और खिले हुए हैं। तो ये थी आज की रेसिपी, मोर लाइक तरीका बेसिकली इंस्टेंट पॉट में बिरयानी बनाने का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द होम मेकर बेकर, ओवर एंड आउट।